गर्ल्स वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ संजना और लुक देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने ये किसका लुक किया है, जी क्योंकि थंबनेल में लगा हुआ है। हाँ, मैंने किया है प्रिया देव इंस्पायर्ड मेकअप लुक, क्योंकि मेरी यार काफ़ी फेवरेट हैं वो और वो मुझे बहुत पसंद आती हैं। एक्चुअली सबसे पहला चैनल में ना मैंने मेकअप का उनका ही देखा था और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तब से मैंने मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़े टाइम बाद मैंने अपना चैनल बना लिया। क्योंकि मेरी फेवरेट है तो मैं उनका इंस्पायर मतलब उनसे मैं काफ़ी उनको देख के मैं काफ़ी कुछ सीखती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो। पर्सनली बोल रही हूँ और लोग जो बुराई करते हैं मुझे उनसे मतलब नहीं है किसी से। चलो ये लुक मैंने कैसे किया है, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। चलो ये लुक मैंने कैसे किया देख लेते हैं और अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो ये मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। पहले प्रियादीप ने यूज़ किया था टोनर, तो मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ एंड उसको अच्छे से अपने फेस पे अब्जॉर्ब कर रही हूँ। और माई फेवरेट यूट्यूबर एंड मैं काफ़ी सालों से उन्हें फॉलो कर रही हूँ, पिछले 3 सालों से। उसके बाद मैं लगा रही हूँ गुड वाइब्स का सीरम एंड ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा सीरम है, इसलिए मैं लगा रही हूँ क्योंकि उन्होंने सेकंड स्टेप यही किया था। सेम ब्रांड के प्रोडक्ट तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है और मैं कोशिश कर रही हूँ उनके जैसा करने के लिए। हो पाए तो पसंद ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। मैं अच्छे से लगा के सीरम को मसाज दे रही हूँ अपने फेस को कि सॉफ्ट सा फेस हो जाए। उसके बाद उन्होंने आई सीरम आई थिंक यूज़ किया था, बट उसके बाद मैंने यूज़ किया है ये वाव का रोल आई जेल है एंड काफ़ी अच्छा है, मैं इसको यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है तो मैंने इसमें वही यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे स्टेप्स जो है ना कंप्लीट करने हैं एंड मुझे उनके जैसा ही मेकअप करना है, इसलिए आईज़ जो है स्मूथ हो जाएंगी। इसलिए आई मेकअप करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और मैंने अच्छे से लगा के उसको फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर रही हूँ। और उन्होंने विटामिन ई का बहुत कॉस्टली मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था, बट मेरे पास वो तो अवेलेबल नहीं है। मैंने ये गुड वाइब्स का विटामिन ई मॉइस्चराइज़र लगाया है। सेम ना तो क्लोथिंग है मेरे पास, उन्होंने जो साड़ी पहनी थी बहुत प्लेन एंड सिंपल साड़ी थी, बट मेरे पास वैसी साड़ी नहीं थी गाइस। सेम तो नहीं हो पाता, बट हाँ हम कोशिश करते हैं कि करें सेम ही। और अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा के मसाज कर रही हूँ। और ये स्टेप्स यार वाकई में काफ़ी कमाल के थे एंड उन्होंने सनस्क्रीन नहीं लगाई थी, बट मैं ये सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है बाहर, इसलिए अगर आप लोग को जाना हो बाहर तो ज़रूर लगाइएगा। और ये सनस्क्रीन मैंने प्रियादीप के रिकमेंडेशन पे ही लिया था एंड बहुत अच्छी है सनस्क्रीन है, ये मेरी बहुत फेवरेट है ये सनस्क्रीन और मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं लगा रही हूँ प्राइमर। प्रियादीप ने प्राइमर नहीं लगाया था, उन्होंने कोई आई थिंक कोई ऐसा फेशियल मतलब क्या लगाया था मेरे को इस टाइम याद नहीं आ रहा है, कोई सीरम लगाया था पर्पल का, उसमें प्राइमर की ज़रूरत नहीं थी बट मुझे प्राइमर की ज़रूरत थी तो मैंने लगा लिया क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सीरम नहीं था। उसके बाद उनके पास बहुत अच्छा सा फाउंडेशन था, बट उतना अच्छा तो मेरे पास फाउंडेशन नहीं था, सबसे अच्छा मेरे पास मेबलिन का ही फाउंडेशन अवेलेबल था तो मैंने वही लगा लिया। एक्चुअली सेम प्रोडक्ट नहीं हो पाते हैं, ये सब तो मैनेज करना ही पड़ता है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लगा के और अच्छे से ब्लेंड किया है एंड ये पुणे स्क्योर का ब्यूटी ब्लेंडर, पहले वो भी पुणे स्क्योर का ब्यूटी ब्लेंडर बहुत यूज़ करती थी, मैंने उनके पुराने वीडियो में जाके देखा वो बहुत सारे यूज़ करती थी, बहुत ज़्यादा यूज़ किया उन्होंने भी। मैं तो इसी को यूज़ करती हूँ एंड मेरा फेवरेट है ये और काफ़ी पसंद है। और मेबलिन का फाउंडेशन तो वैसे भी बहुत अच्छा है एंड वाटरप्रूफ फाउंडेशन है, मुझे बहुत पसंद है। और ये यूट्यूबर जो हैं प्रियादीप, मैं इनको काफ़ी सालों से फॉलो कर रही हूँ एंड इनकी वीडियोस जब भी आती मैं ज़रूर देखती हूँ, इनका ब्लॉग चैनल भी एंड इनका प्रियादीप मेकअप ट्यूटोरियल जो चैनल है वो भी ज़रूर देखती हूँ क्योंकि इंसान किसी न किसी को देख के सीखता है। मैंने इनको ही देख के सीखा एंड इनसे ही इंस्पायर होकर मैं ये मेकअप कर रही हूँ, मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने कंसीलर लगाया, उनके कोई डार्क सर्कल्स नहीं है बट मेरे हैं तो मुझे तो कवर करना ही पड़ेगा ना। और मैंने इसलिए कंसीलर का स्टेप मैंने फॉलो किया एंड आई लिड पे भी मैं वही कंसीलर लगा रही हूँ कि मेरी आईज़ एंड फेस का कलर जो है वो सेम हो जाए इसलिए। और हाँ, किस किस को प्रियादीप पसंद है ये ज़रूर बताना, मेरी फेवरेट है तो ऑफकोर्स आप लोगों की भी होंगी फेवरेट। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैं ये दोबारा बोल रही हूँ। और अच्छे से मैं वही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ अपने आईज़ पर, अच्छे से मैं कंसील कर ले रही हूँ अपनी आईज़ को कंसीलर से। और देखिए सेम हो गई ना आईज। उसके बाद उन्होंने हूडा ब्यूटी का लूज पाउडर यूज़ किया था आई थिंक, और मेरे पास तो वो नहीं है बट मैंने लक्ष्मी से काम चलाया
और ब्रश से मैं लगा रही हूँ हल्के हल्के हाथों से, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और ये वीडियो मैंने बहुत कम फास्ट किया है क्योंकि आप लोग को समझ में आए, और मैं भी थोड़ा सा बोलना चाह रही थी आप लोगों से कि मेरी फेवरेट यूट्यूबर है, उन पर इंस्पायर्ड है, तो इसलिए मैं भी बहुत आराम से आपको स्टेप्स दिखा रही हूँ। और उन्होंने एवरील के मेकअप रूटीन आई थिंक बोला था कर रही हैं, उन्होंने दिखाया था अपना, तो उसी पर बेस्ड है ये मेकअप ट्यूटोरियल। और बहुत अच्छा यार मेकअप आया था सच में। उसके बाद मैंने ये विल्क एंड वाइल्ड का लिया है आई शेडो, सॉरी आईब्रो किट, और मैं उसी से ब्राउन शेड से पिक कर रही हूँ। और उन्होंने पता नहीं कौन सा लगाया था, आई थिंक काफ़ी कॉस्टली था उनका, बट कितने कॉस्टली प्रोडक्ट हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है। सो इसको मैं लगा के अच्छे से आईब्रोज को फिल कर लूँगी एंगुलर ब्रश की हेल्प से। और ये ब्रश है इंक कलर का आई थिंक, एंड काफ़ी प्यारा ब्रश है, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट इस टाइम यही ब्रश है। और काफ़ी अच्छे से यार अप्लाई करो, बहुत अच्छे से आईब्रोज को फिल कर देता है। सो ये देखो मैंने अच्छे से आईब्रोज को फिल कर लिया, उसके बाद ये हल्का हल्का सा और कर रही हूँ मैं फिल, जैसे कि थोड़ी सी सेम लगे उनके जैसा मेकअप, इसलिए। और मेरा कोई रीज़न नहीं है उनके जैसा दिखने का, मुझे कोई वो नहीं है, प्रियादीप प्रियादीप है, मैं हूँ। सो हर कोई अपने में अच्छा ही होता है। सो उन्होंने रेड लिपस्टिक यूज़ की थी और रेड लिप शेड मैं भी यूज़ कर रही हूँ। इसके पहले मैंने लिप बाम यूज़ किया था, वो है बायोटिक का लिप बाम, एंड ये लिपस्टिक मैंने रेड यूज़ की है, काफ़ी प्यारा रेड शेड है। मुझे रेड लिपस्टिक मुझे भी बहुत पसंद है, उन्हें भी बहुत पसंद है। मेरे ज़्यादातर मेकअप के ट्यूटोरियल में देखोगे ना आप रेड रेड रेड, क्योंकि मेरा रेड कलर ना बहुत फेवरेट है, एंड थोड़ा बोल्ड कलर है और इससे मेकअप बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए। सो मैंने लगा लिया लिपस्टिक, उसके बाद उन्होंने लगाई थी रेड बिंदी, मैंने भी रेड बिंदी लगाई है एंड प्लेन बिंदी लगाई है। उसके बाद आई थिंक यही हाइलाइटर उन्होंने वाइट थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ किया था, नायका हाइलाइटर उन्होंने यूज़ किया था, बट मैं ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ सेम लुक पाने के लिए। सो मैं अच्छे से स्माइल करते हुए हाइलाइटर लगा ले रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हो हाइलाइटर से बहुत अच्छे से आपका फेस हाइलाइट हो जाता है। उनका हाइलाइटर तो इतना औसम हाइलाइटर है ना कि क्या बताऊँ, मैं कोशिश करूँगी वो हाइलाइटर मंगवाने की। सो नायका का हाइलाइटर वाकई में बहुत प्यारा है। और उसके बाद मैं अपने फोर हेड पर हल्का सा लगा रही हूँ कि अच्छे सा ग्लो आ जाए मेरे फोर हेड पर। सो उसके बाद मैं अपने ब्रो बोन को हाइलाइट कर रही हूँ अच्छे से फैन ब्रश की हेल्प से, एंड लिप्स के अराउंड मैं कर रही हूँ हाइलाइटिंग, नोज भी किया। उसके बाद उन्होंने ये दो शेड मिला के लगाया था, बट मेरे पास सेम शेड तो था ही नहीं, तो मैंने दो हाइलाइटर को मिला के मैंने ये शेड आई शेड जो बनाया है आई शेडो, और उन्होंने कोई आई शेडो नहीं अप्लाई किया था, सिर्फ उनके पास जो नायका का हाइलाइटर था उसी से उन्होंने लगाया था अपनी आईज़ पर एज आई शेडो, तो मैं भी वही कर रही हूँ सेम लुक के लिए। और देखो कितना प्यारा लुक लग रहा है ना यार सच में, कभी कभी सिंपल मेकअप भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है, और मैं तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा मेकअप ये निकल के आएगा कि इतना प्यारा लगेगा। और देखो कितना प्यारा, आईज़ काफ़ी प्यारी लग रही हैं मुझे ऐसे तो, और मुझे जाना था तो मैंने सिंपल लुक ही करना पसंद किया। सो मैंने सोचा चलो इसको फटाफट रिकॉर्ड कर लेती हूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने उनके जैसा कर पाई या नहीं कर पाई। सो उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, ये है विक एंड वाइट का मस्कारा, तो प्रोडक्ट्स मस्कारा है काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैं विक एंड वाइट का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए, क्योंकि गर्मियाँ आ गई इसलिए। उसके बाद उन्होंने रेड कलर की चूड़ियाँ पहन रखी, तो वही मैंने ही पहन रखी। सो देखो ये लुक सेम लग रहा है या नहीं लग रहा है, और बताना ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में, और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे बहुत पसंद आया ये लुक इंस्पायर्ड मेकअप करके, आई होप सो आप लोग को भी पसंद आया होगा। सो बाय बाय, मैं नेक्स्ट